आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर तहसील सभागार में स्कूल सेफ्टी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि हर महीने के दूसरे बुधवार को आपदा न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया जाता है तथा इस बार का थीम स्कूल सेफ्टी रखा गया है। उन्होंने कहा, अब सभी स्कूल खुल चुके हैं तथा सभी बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं तथा जनपद भूकंप की दृष्टि से सस्पेक्ट 4 के अंतर्गत आता है, जो अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जिसको देखते हुए NDRF, SDRF, अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग की टीम तैयार करके विद्यालयों के साथ एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं तथा 10 प्राथमिक विद्यालय इसमें शामिल हैं तथा विद्यालयों को आपदा से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें यूनिसेफ व राहत आयुक्त कार्यालय का पूरा सहयोग प्राप्त है। उन्होंने कहा, इस दिसंबर माह में स्कूल सेफ्टी अभियान चलाया जाएगा तथा कोरोना के नए वेरियंट से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, हमारी प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग से जो यहाँ पर उपस्थित हैं कि एक बार बता सकें कि किस किस विद्यालय से और कहाँ से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो एक बार परिचय सत्र के बाद फिर हम इस औपचारिक रूप से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को और इस बैठक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो परिचय का सत्र मैं आपके से शुरू करता हूँ। मेरा नाम गौतम गुप्ता है, मैं जिला आपदा विशेषज्ञ गोरखपुर में आपदा प्रबंधन के कार्यों को देखता हूँ। यहाँ हमारा एक आरसी है और जो पूर्वोत्तर यूपी में जो डिजास्टर होते हैं उन सभी चीजों को हैंडल करते हैं। साथ ही साथ जो भी रिले प्रोग्राम है, कैपेसिटी अवेयरनेस या कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है या सिक्योरिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है और स्कूल टेंडर प्रोग्राम है, तो हम स्कूल स्कूल में जाकर भी जो मॉक एक्सरसाइज है या जो ड्रिल्स है उसको भी अरेंज करते हैं। नमस्कार सर, मनमोहन हमारी टीम यहाँ रक्षाओं में जुटी है। हम लोग जो है हमारे आपके सहयोग के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं मनोज कुमार सिंह सराका टाइम्स ऑफ इंडिया और ये जो कार्यक्रम आज हम लोग एज ए पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और यूपीएस रेलवे के फाउंडर पार्टनर के रूप में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और ऐसा जिलाधिकारी महोदय का दिशा निर्देश होगा, उस क्रम में आप सभी प्रकार की सहायता करेंगे और भावी पीढ़ी के निर्माण में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका क्षेत्र है और भी इस साल हम लोगों ने मतलब 98 की बाढ़ जो की सदी की सबसे विषणतम बाढ़ कही जाती है उसकी लेवल की बाढ़ इस बार हम लोगों ने देखा और तकरीबन गोरखपुर में जो मेजर नदियां जो यहाँ की 3 मेजर नदियां हैं हमारी राप्ती, घाघरा जिसे हम सरयू जी कहते हैं और रोहिणी, ये तीनों नदियां तकरीबन 37 दिन अपने डेंजर लेवल से ऊपर बनी हैं, यानी एक महीने से ऊपर ये नदी डेंजर लेवल पे रही है और इससे इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। साथ ही गोरखपुर जो है वो सस्पी जोन 4 में आता है भूकंप के दृष्टिगत और हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले भूकंप के झटके भी गोरखपुर में महसूस किए थे और वो झटके ऐसे थे कि कई महीनों तक लगता था कि झटके आ ही रहे हैं, तो उस लिहाज से भी देखा जाए कि गोरखपुर अति संवेदनशील एक डिस्ट्रिक्ट है। और चूंकि हम लोगों ने जिन स्कूल्स का चयन इसमें किया है, जिन स्कूल्स का आप लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे सभी स्कूल मोर और लेस सारे अर्बन एरिया के ही हैं, यानी एकदम शहरी क्षेत्र के ही हैं और सभी स्कूलों में मतलब एक बहुत बड़ा ग्राउंड बच्चों का एक वहाँ पर समागम है, बच्चे बहुत भारी संख्या में सभी स्कूल्स में हैं, इसलिए यहाँ पर की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। सपोज दैट ये उदाहरण के स्वरूप इस हॉल में तकरीबन 70 लोग के आसपास बैठे हुए हैं, अभी एक छोटी सी अगर यहाँ पे सांप आ जाए या अगर कोई भगदड़ बन जाए तो निश्चित तौर पे हम इससे कुछ लोग निश्चित तौर पे चोटिल हो जाएंगे।
क्योंकि हम सब अपनी जान बचाना चाहेंगे, भागना चाहेंगे या अपने आप को सेव करना चाहेंगे, या अगर भी भूकंप का कोई झटका आ जाए तो एक हम लोगों के लिए एक मतलब अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, हम लोग को अपने आप को कैसे सेव करना है। हमेशा इन बातों पे जब भी कोई बात की जाती है तो ये होता है कि हाँ आया तो नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे, शायद देखने के लिए समय भी न बचे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा योजना क्रियान्वित की है। ये प्रदेश के सभी जनपदों में स्टार्टअप किया जा रहा है और बहुत से जनपदों में इसको लेकर के एक्शन प्लान भी बनाया गया है और एक्शन प्लान बना करके वहां पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन गोरखपुर में हम लोगों ने जितने बड़े विद्यालय हैं हम लोगों ने उनका चयन किया है, जिसके आप सभी लोग यहाँ के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। अगर कभी कोई डिजास्टर होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है संसाधनों कि हमारे पास संसाधन कौन कौन से उपस्थित हैं, हमारे पास अगल बगल संसाधन कौन कौन से हैं। शहर में अगर हम अपने पास के लिए देखें तो गोरखपुर में हमारा अग्निशमन विभाग का यूनिट है, कहां पर है? गोलघर में। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है उसका? टेलीफोन नंबर। ये एक बेसिक चीज है, ठीक है। तो ये जो हमारे जो स्कूल, मतलब मैं आपसे यही कहना चाहूँ कि हमारे पास संसाधन है लेकिन उस संसाधन तक हमारी रीच कैसे होगी, लेकिन यह नंबर याद करना बहुत आसान है, 233333। देखिए आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें बेसिकली स्कूल सेफ्टी को लेकर के हम लोगों ने इस बार का थीम रखा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को हम लोग आपदा न्यूनीकरण दिवस का आयोजन करते हैं। तो चूंकि स्कूल्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और COVID-19 के बाद से अब स्कूल की मतलब ओपन हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं और यह जो गोरखपुर का जो परिक्षेत्र है वो ये भूकंप के दृष्टिगत सेस्मिक जोन 4 के अंतर्गत आता है जो कि अति संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के साथ NDRF, SDRF, अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा और पुलिस डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग की सारी टीमों को एक संयुक्त टीम तैयार करके हम लोग ये स्कूल्स का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट फेज में हम लोग अभी 50 विद्यालय जो बड़े विद्यालय हैं और 10 प्राथमिक विद्यालय हैं उन लोगों को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं और उन लोगों में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे। इसमें टाइम्स ग्रुप और UPSDM में यूनिसेफ और राहत आयुक्त कार्यालय का पूरा सहयोग प्राप्त है। तो इस तरीके से अभी हम लोग पूरा जो इस दिसंबर माह का जो पूरा इवेंट रहेगा वो स्कूल सेफ्टी को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, उसके देखिए इसमें इसीलिए स्पेसिफिकली एक नया सेशन भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है COVID-19 को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए। तो वह भी इसमें एक एक हमारे इस ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा जो आज यहाँ की बैठक समाप्त हुई है, उसके बाद से अब ये इस पर भी हम लोग लगातार अब कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।